जेल भेज दिया गया है। इधर सिवनी जिले में घनसोर में लगातार आदर्श आचार चुनाव संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। यहां पर उद्घाटन का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर कई जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे हैं। साफ है कि आचार संहिता का उल्लंघन किस प्रकार से खुलेआम हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये प्रचार सहित कई यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर हैं अनुपस्थित रहे, जबकि आचार संहिता में किसी को भी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। हम खड़े हैं शासकीय महाविद्यालय घनसोर में, जहां आप मेरे पीछे एक पट्टिका देख सकते हैं। उद्घाटन का जो ये पट्टिका लगी हुई है, इसमें छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं तक के इसमें सभी के नाम बाकायदा इसमें लिखे हुए हैं। यहां पर चीज आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां पे महाविद्यालय है, इसमें जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लगभग वोट देने वाले बच्चे हैं, उनकी उम्र लगभग 18 से ऊपर ही है। उसके बाद भी यहां महाविद्यालय द्वारा लगातार इसका जो आचार संहिता आदर्श आचार संहिता का पालन न करके उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और यहां के जो प्राचार्य हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर पाते हैं कि जो प्राचार्य वो भी यहां से नदारद है, वो भी यहां पर नहीं पाए गए हैं। और कोई भी यहां पर जिम्मेदार ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो इस पूरे मामले में जवाब दे सके। तो निश्चित तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं पूरा आचार संहिता का उल्लंघन है। और आप इस पर क्या कार्रवाई करते हैं आगे, जो निर्वाचन आयोग है उस पर क्या संज्ञान लेता है? JK 24/7 न्यूज के लिए पवन पाठक सिवनी। और इसी के साथ बोलते हैं, नमस्कार।